नमस्कार प्रियजनों, आप सबका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ आपकी अपनी शुभचिंतक। बात कर रहे हैं आज आने वाली करवा चौथ की। करवा चौथ का त्यौहार कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को मनाया जाता है। करवा चौथ का त्यौहार पति पत्नी के रिश्ते, प्यार और विश्वास का प्रतीक है। इस दिन विवाहित महिलाएं अपने पति की लंबी आयु और सलामती के लिए व्रत रखती हैं। इस बार की करवा चौथ 17 अक्टूबर को है, तो हमारी बहनें 17 अक्टूबर को सभी व्रत रखेंगी और भगवान गणेश का पूजन और अर्चन करेंगी, क्योंकि इसे संकट चतुर्थी भी कहते हैं। तो गणपति भगवान की आप पूजा अर्चना करेंगी उस दिन, आपके पति की लंबी आयु के लिए और उनकी सलामती के लिए, उनके स्वास्थ्य के लिए, उनकी तरक्की के लिए। तो ऐसा क्या करें कि हमारी दुआएं, हमारी मनोकामनाएं सब पूर्ण हो जाएं और भगवान गणपति हमें शुभ आशीर्वाद करवा चौथ पर देके जाएं। राशि अनुसार हमारी महिलाएं, हमारी बहनें किस तरह से व्रत करेंगी, आज उसी पर बात करेंगे कि राशि अनुसार आप भगवान गणपति को क्या अर्पित करेंगे, ऐसी कौन सी वस्तुएं अर्पित करेंगे जिससे भगवान गणपति खुश होकर आपके पति की लंबी आयु, उनका स्वास्थ्य, उनकी तरक्की, उनका आर्थिक स्थिति सब में भगवान का आशीर्वाद आपके साथ बना रहे और वो शुभ आशीर्वाद देके जाएं। तो बात करते हैं सबसे पहले मेष राशि वाली बहनों की। मेष राशि की बहनें भगवान गणपति की जब पूजन अर्चन करेंगी करवा चौथ के दिन, तो वो हमारी बहनें गुलाबी रंग की साड़ी पहनेंगी। मेष राशि की बहनें गुलाबी रंग की साड़ी पहनेंगी और गुड़ की कोई बनी हुई मिठाई भगवान गणपति को अर्पित करेंगी और पूजन में वो जो सामग्री अर्पित करेंगी वो लाल फूल अर्पित करेंगी। चंद्र पूजन के समय आप जब चंद्रमा को अर्घ देंगे, चंद्रमा को पूजन करेंगे, तब आप लाल फूल के साथ उनको अर्घ दें और आपको उस दिन भगवान गणपति के आगे, भगवान के आगे मंत्र जप भी करना है। एक ओम गौरी सुताय नमः, ओम गौरी सुताय नमः, इसका आप मंत्र जप करें और लाल फूल से अर्घ्य दें। भगवान गणपति आपके पति की लंबी आयु और उनके हर तरह से उनकी शुभकामना के लिए सही है। आगे बात करते हैं वृष राशि वाली बहनों की। तो वृष राशि वाली बहनों को पीली धारीदार साड़ी पहननी चाहिए उस दिन और भगवान गणपति को नारियल का भोग लगाना चाहिए और चंद्रमा को अर्घ देते हुए आप पीले फूल उनको अर्पित करें, चंद्रमा को अर्पित करें, आपके लिए बहुत शुभ है। और आप इसके साथ ही जो आपको मंत्र जप करना है भगवान गणपति का, अलंपटाय नमः, अलंपटाय नमः, इस मंत्र का आप जप करें, आपके लिए, आपके पति के सुख समृद्धि के लिए बहुत शुभ है। बात करते हैं मिथुन राशि की बहनों की। मिथुन राशि की बहनें हरे रंग की उस दिन साड़ी पहने, आपको बहुत सुंदर लगेगी और आप दुर्वा और लड्डू से भगवान गणपति के पूजन जरूर करें। भगवान गणपति को उस दिन दुर्वा जरूर चढ़ाएं और लड्डू अर्पित करें और आप जब चंद्रमा को अर्घ दें तब आंकड़े के फूल के साथ आप चंद्रमा को अर्घ दें, उनको अर्पित करें। और आप जो मंत्र जप करेंगे भगवान गणपति का, ओम वर प्रदाय नमः, ओम वर प्रदाय नमः, इस मंत्र का आप जप करें, आपके लिए बहुत शुभ रहेगा, आपके पति के लिए, उनके लिए हर तरह से ही शुभ है ये। बात करते हैं कर्क राशि की बहनों की। कर्क राशि की बहनों को पूरी संतरे कलर की साड़ी पहननी चाहिए और पूरा श्रृंगार करना चाहिए उस दिन उनको। चांदी का गहना कोई ना कोई जरूर पहनना चाहिए। चांदी के बर्तन में भगवान गणपति को दूध भी अर्पित करें वो, और सफेद फूल जब अर्घ्य दें चंद्रमा को तब सफेद फूलों के साथ अर्घ्य दें और गणपति भगवान को जो मंत्र जप करेंगी वो ईशान पुत्राय नमः, ईशान पुत्राय नमः, इस मंत्र का जप करें। सिंह राशि की बहनों की बात करते हैं तो उनको लाल या सुनहरी कलर की साड़ी पहननी चाहिए और किसी गुड़ की वस्तु का ही उनको भी भोग लगाना चाहिए, क्योंकि उनके गणपति भगवान को गुड़ की वस्तु का भोग लगाना उनको बहुत शुभ है। और जब वो चंद्रमा को अर्घ दे तो गुलाब के फूल के साथ चंद्रमा को अर्घ देना चाहिए और जो मंत्र जप करेंगी वो मंत्र जप वो ओम हरिम्बाय नमः है, ओम हरिम्बाय नमः है, ये मंत्र जप आप करें भगवान गणपति के आगे। बात करते हैं कन्या राशि की बहनों की। कन्या राशि की बहनों को हल्के नीले रंग की साड़ी पहननी चाहिए उस दिन पूजन के समय और मीठे फलों का भगवान गणपति को भोग लगाएं आप
और जब चंद्रमा को अर्घ दें तो आप चावल से अर्घ अवश्य दें। और भगवान गणपति को जो आप मंत्र जप करेंगे उस दिन, उनका मंत्र जप होगा ओम कुमार गुरुवे नमः, ओम कुमार गुरुवे नमः, ये आप मंत्र जप करें। भगवान गणपति आपके पति पर हर तरह से कृपा दृष्टि बनाए रखेंगे। तुला राशि की बहनें, तुला राशि की बहनें हल्की जामुनी रंग की कलर की साड़ी पहने और भगवान गणपति को खीर का भोग लगाएं। और जो चंद्रमा को अर्घ देते समय उनको फूल जो अर्पित करेंगी वो सफेद कलर के फूल अर्पित करेंगी। और भगवान गणपति को जो जप करेंगी पूजन के समय ओम लंब करनाय नमः, ओम लंब करनाय नमः, इस मंत्र का आप जप करें, आपके पति की सुख समृद्धि के लिए बहुत शुभ है, उनकी लंबी आयु के लिए बहुत ही शुभ है। वृश्चिक राशि की बहनों की बात करते हैं। वृश्चिक राशि की बहनों को भी गुलाबी रंग की साड़ी पहननी चाहिए उस दिन, वो उसमें सुंदर लगेंगी। और केसर वाली मिठाई उनको भगवान को गणपति को अर्पित करनी चाहिए। और जब आप चंद्रमा को अर्घ दें तो आप कुमकुम उसमें साथ में जरूर लें, कुमकुम से अर्घ दें, आपके लिए शुभ है। और जो आप भगवान गणपति के सामने पूजन के समय मंत्र जप करेंगे ओम भीमाय नमः, ओम भीमाय नमः, इस मंत्र का आप जप करें। धनु राशि की बहनों की बात करते हैं। धनु राशि की बहनों को हल्के पीले रंग की साड़ी पहननी चाहिए और भगवान गणपति को केले का भोग लगाना चाहिए। और अर्घ्य देते समय आपको पीले और सफेद दोनों ही टाइप के फूल भगवान चंद्रमा को अर्पित करने चाहिए अर्घ्य के समय। और आपको गणपति का जो मंत्र जप करना है भगवान का, ओम सुमुखाय नमः, ओम सुमुखाय नमः, इस मंत्र का आप जप करें, आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। बात करते हैं मकर राशि की बहनों की। मकर राशि की बहनें रेशमी वस्त्र अवश्य पहने, वो मल्टी कास्ट कोई भी कलर पहन सकती हैं, मल्टी कलर, और वो रेशमी वस्त्र पहने और बेसन की मिठाई भगवान गणपति को अवश्य अर्पित करें। और जब अर्घ्य दें तब गेंदे के फूल आपके पास होने जरूरी हैं। आप गेंदे के फूल का के साथ भगवान चंद्रमा को अर्घ्य अर्पित करें। और आपको जो मंत्र जप करना है भगवान गणपति का, ओम मेघनादाय नमः, ओम मेघनादाय नमः, इस मंत्र का आप जप करें। कुंभ राशि की बहनों की बात करें तो कुंभ राशि की बहनें मिले जुले कलर के कपड़े पहन सकती हैं। और मतलब दो चार पांच कलर की जिसमें हो, जिस साड़ी में हो, वो साड़ी आप पहन सकती हैं। उसके साथ ही आपको भगवान गणपति को विल्व पत्र चढ़ाना है और मिश्री का भोग लगाना है। और आपको सफेद पुष्पों के साथ ही भगवान को अर्घ देना है। चंद्रमा को अर्घ आप सफेद पुष्पों के साथ दें। और जो आपको मंत्र जप करना है ओम गणपतये नमः, ओम गणपतये नमः। अंत में बात करते हैं सबसे लास्ट में मीन राशि की बहनों की। मीन राशि की बहनों को केसरिया कलर की साड़ी पहननी चाहिए, केसरिया कलर की साड़ी उनके लिए बहुत शुभ है। और उनको भगवान गणपति को दुर्वा अर्पित करनी चाहिए और हलवे का भोग लगाना चाहिए। और पीले फूल जब आप अर्घ्य देते हैं चंद्रमा को तब आपके पास अवश्य होने चाहिए, उसी से आप भगवान चंद्रमा को अर्घ्य दें। और जो आप मंत्र जप करेंगे भगवान गणपति के सामने, ओम गजवक्त्राय नमः, ओम गजवक्त्राय नमः, इस मंत्र का आप जप करें, आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। हमारी बहनें अगर इस तरह से पूजन करती हैं, अर्चन करती हैं, भगवान गणपति को बताई हुई चीजें अर्पित करती हैं और उन्हीं कलर की साड़ियों से वो पहनकर वो पूजन करती हैं, तो उनके पति की लंबी आयु, उनकी आर्थिक और सामाजिक हर तरह से तरक्की होगी और उनका स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहेगा। उम्मीद करती हूँ आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। हमारी बहनों को सबसे बहुत ज़्यादा ज़्यादा बहुत ज़्यादा उनको शुभकामनाएं। सभी बहनों को भगवान गणपति, चौथ माता, उनके सुहाग की बहुत लंबी उम्र करे, इसी शुभकामना के साथ। अगर वीडियो पसंद आया हो, जानकारी पसंद आई हो, तो कृपया लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन भी दबाएं, ताकि आपको आने वाले इसी तरह से ज्ञानवर्धक वीडियो मिलते रहें। और वीडियो के आखिर में मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगी कि वीडियो में आपने जो शायरी देखी है, उस शायरी को आप अपने पति को
दो लाइनें ही चाहे उस जरूर सुनानी चाहिए ताकि आप पति पत्नी में प्यार और विश्वास ज्यादा से ज्यादा बढ़ता रहे। और करवा चौथ की बहुत बहुत सभी बहनों को शुभकामनाएं, और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत आप सबका धन्यवाद, और सभी बहनों को करवा चौथ की मंगल कामनाएं और हैप्पी करवा चौथ।